जी अस्सलाम वालेकुम। चलिए ठीक है जी, हम टाइम वेस्ट किए बगैर अपना सवाल शुरू करते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट पढ़े सबसे पहले, वो कहता है जी इन अकॉर्डेंस विद IFRS प्रिपेयर अ नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। हमने पीपी का नोट बनाना है फॉर इंक्लूजन इन MS फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 दिसंबर 2018, जो 30 दिसंबर 2018 को उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ जाए। कंपैरेटिव फिगर जो है उसने क्या है वो हमें रिक्वायर नहीं है, मतलब प्रीवियस ईयर का डाटा हमें रिक्वायर नहीं है। सवाल पढ़ते हैं, वो कहते हैं द बैलेंसेस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एज ऑन 1 जनवरी 2018 आर एस फॉलो। हमारा ईयर एंड क्या है 31 दिसंबर, मतलब ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंस जिसने हमें गिवन की है। आप भी चाहें तो पेपर पे आप इस तरह से इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इन्होंने क्या चीज गिवन की है क्या चीज गिवन नहीं की। तो ओपनिंग बैलेंस जो है ये उसने हमें गिवन कर दी है। हमने कहा ठीक है जी, ओपनिंग बैलेंस हमारे पास बिल्डिंग का भी है इक्विपमेंट का भी है और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी है। हमने कहा ठीक है। उसने कहा जी द रिवैल्यूएशन सरप्लस रिलेटेड टू ऑफिस बिल्डिंग एज ऑन 1 जनवरी अमाउंटेड टू ₹8.5 मिलियन। इसका जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है वो कितना है हमारे पास 8.5 मिलियन मौजूद है। हमने कहा ठीक है। फिर कहता है ऑन 1 सितंबर 2018 अ न्यू इक्विपमेंट वॉज एक्वायर्ड बाय मेकिंग अ पेमेंट ऑफ ₹17 मिलियन टू सप्लायर। हमने 70 मिलियन की पेमेंट की है, मतलब हाँ 70 मिलियन हमने उसको पे किया। एंड ओल्ड इक्विपमेंट वॉज ऑल्सो गिवन इन एक्सचेंज टू सप्लायर, और साथ हमने पुराना इक्विपमेंट भी दिया। द फेयर वैल्यूज ऑफ ओल्ड एंड न्यू इक्विपमेंट वर असेस्ड एज 21 मिलियन एंड 93 मिलियन रिस्पेक्टिवली। जो हमने पुराना इक्विपमेंट दिया उसकी जो फेयर वैल्यू थी वो 21 मिलियन थी और जो नया इक्विपमेंट है उसकी जो फेयर वैल्यू है वो 93 मिलियन है। अब ये पॉइंट कंफ्यूज करता है ऐसे कि हमें देखें कि हमें फेयर वैल्यू की हमें जो नया एसेट है वो कितने पड़ रहा है हम वो देखेंगे और देखेंगे उसकी फेयर वैल्यू क्या है हम वो डिटरमिन करेंगे, फिर उसके मुताबिक हमने इसको ट्रीट करना है। उसके साथ कहता है द ओल्ड इक्विपमेंट हैड बीन एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹40 मिलियन। जो पुराना इक्विपमेंट था जो हमने बेचा वो हमने 40 मिलियन का लिया था 1 जुलाई 2016 को। कॉस्ट इनकर्ड ऑन इंस्टॉलिंग द न्यू इक्विपमेंट अमाउंटेड टू ₹5 मिलियन, जिसपे कॉस्ट इनकर्ड हुई थी वो 5 मिलियन थी। इससे हम गेन या लॉस निकाल सकते हैं कि हमारा डिस्पोजल पे गेन या लॉस कितना हो रहा है। उसके बाद कहता है ऑन 1 जनवरी 2018 ML कमेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। उसने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी। द होल प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग एंड इंस्टॉलेशन वॉज कंप्लीटेड ऑन 31 दिसंबर। जो पूरा प्रोसेस था वो 31 दिसंबर को कंप्लीट हो गया। However, the work was stopped from this date due to unexpected rain. बारिशों की वजह से इतने दिन मतलब 15 डेज काम बंद रहा। हमने कहा जी ठीक है। टोटल कॉस्ट जो इंक्लूड हुई है वो 660 मिलियन है और वो कुछ इस तरह से पे की गई है। फर्स्ट पेमेंट इस तरीके को, सेकंड पेमेंट, थर्ड पेमेंट एंड फोर्थ पेमेंट भी हुई है। हमने कहा जी ठीक है। द प्लांट वॉज फाइनेंस थ्रू अ बैंक लोन ऑफ ₹500 मिलियन। 500 मिलियन के लोन से हमने क्या की थी उसकी फाइनेंसिंग की थी। जी चला गया। जो लोन था वो हमने 1 मार्च 2018 को हमने लोन लिया था। लोन कैरीज अ मार्कअप ऑफ 18% पेबल एनुअली। जो लोन के ऊपर था वो मार्कअप कितना था 18% था। सरप्लस फंड्स अवेलेबल फ्रॉम द लोन वर इन्वेस्टेड इन अ सेविंग अकाउंट। जो सरप्लस फंड जितने भी है थे वो हमने सेविंग अकाउंट में लगा दिए और 17 मिलियन हमें रिसीव हुआ था ड्यूरिंग द कैपिटलाइजेशन पीरियड। जितना मतलब एरिया था उसने हमें उसका डायरेक्ट गिवन कर दिया कि इतना मुझे उसकी इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव हुई थी। ठीक है, ये बड़ा आसान है। उसके बाद ऑन 31 दिसंबर 2018 31 दिसंबर 2018 को द रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग वॉज असेस्ड एट ₹178 मिलियन बाय प्रिसाइज वैल्यूज एंड इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन फर्म। तो प्रिसाइज वैल्यू से उन्होंने कहा कि भाई साहब हमारी जो बिल्डिंग है ना इसकी जो वैल्यू है वो 178 मिलियन है। हमने कहा जी ठीक है।
वैल्यू इन यूज ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग एज एट 31 दिसंबर 2018 वॉज एस्टिमेटेड एट ₹186 मिलियन। वो जो वैल्यू है वो 178 इंडिपेंडेंट वैल्यूअर्स ने बताई, लेकिन जो वैल्यू इन यूज थी मतलब जो कैश फ्लोज वगैरह है थे उसके मदद से जी वो हमने पता चलाया कि 186 मिलियन उसकी वैल्यू है। तो यहाँ पे इम्पेयरमेंट का भी एक कंसेप्ट उसने बीच में हमें दिया है, हम इम्पेयरमेंट टेस्टिंग भी यहाँ पे कर लेंगे। उसने क्या अदर रेलिवेंट डिटेल आर एज फॉलो, इसके अलावा डिटेल्स हैं वो कुछ ऐसे है, जो एसेट्स हैं ऑफिस बिल्डिंग जो है वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर डेप्रिशिएट होगी, इक्विपमेंट जो है वो WDV के ऊपर डेप्रिशिएट होगा 20% के ऊपर, और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 15% पे होगा। सिर्फ बिल्डिंग चलेगी हमारे रिवैल्यूएशन के ऊपर, बाकी कॉस्ट पे, और जो रिमेनिंग लाइफ उसने स्टार गिवन कर दिया कि ये रिमेनिंग लाइफ जो है ये आखिरी रिवैल्यूएशन के बाद की है, मतलब इसकी जो रिमेनिंग इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ उसने हमें वो गिवन की है। उसने कहा कि ML accounts for revaluation on net replacement value method, वो जब भी revaluation करते हैं वो net replacement value method adopt करते हैं, और जितना भी surplus है वो सारे का सारा किससे करता है, transfer retained earning से, revaluation surplus से retained earning में transfer करता है annual basis के ऊपर। तो ये पूरी इसने कहानी बताई है, ये मजे का सवाल है, मतलब 3 इसमें standards हैं जिसने हमें पूछे हैं। मैं zoom out कर रहा हूँ उसको, एक बार इसको आप लोग तसल्ली से पढ़ें और बताएं कुछ चीज समझ तो नहीं आई आपको, ये रीडेबल है इतना? हाँ रीडेबल है, आप क्योंकि आपके पास भी स्क्रीन जूम की ऑप्शन होती है ना, ये आपको रीडेबल होगा मेरे ख्याल से। ठीक है जी, हम इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, तो मंडे लिमिटेड है, हम लिख सकते हैं जी मंडे लिमिटेड, हमने क्या बनाना है नोट्स, ठीक है जी नोट है तुम्हारे का नोट्स टू the financial statements year end क्या है हमारा December for the year ended 31 December 2018। ये वाले जी हमने क्या करना है, इसको notes बना के देने हैं। हाँ जी, अगर ना mention होता फिर हमें transfer नहीं करेंगे, उसने mention किया तो हमें transfer करना पड़ेगा। चलिए जी नोट्स बनाए इसके, सबसे पहले हम पॉलिसी लिख लें, फिर इसकी इसकी पॉलिसी क्या है। अब देखें पॉलिसी पे ये तो हमें ये चीज उठा के इसको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा कि जी इसकी पॉलिसी क्या है नोट्स के लिए। उसके बाद हमारी आ जाएगी फिक्स एसेट का स्केड्यूल आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा उसकी वो वर्किंग एसेट उसकी बात हो जाएगी, उसके बाद उसका आ जाएगा जो डिस्क्लोजर रेलेवेंट है वो उसका आ जाएगा। तो ये किस तरह से नोट्स बनाने हैं, आप इस तरह से नोट्स बनाने यहाँ पहले स्केड्यूल बना के उस तरह से भी आप नोट्स वगैरह बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आप पहले स्केड्यूल बनाना चाहते हैं पहले स्केड्यूल बना लें, पहले पॉलिसी लिखना चाहते हैं आप पहले पॉलिसी लिख लें, वो आपके ऊपर है। जैसे हम पहले अगर 17 नंबर है 17 नंबर में से मार्क्स सिक्योर करने हैं तो बेहतर है कि पहले से हम पॉलिसी लिखें फिर स्केड्यूल और जो फिर अदर डिस्क्लोजर होगा वो दे दें, तो हमारा पूरा जो नोट होगा वो बन जाएगा। तो पहले हम इसके लिखते हैं पॉलिसी के, तो हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब इसने हमें बताया है ये, अब इसको आपने अपने अल्फाज में अंग्रेजी में लिखना है। कैसे आप लिखेंगे, the entity uses following methods to value its property plant and equipment and methods to calculate its depreciation। अब ये पॉलिसी आपने बतानी है कि तीन इसके पास एसेट्स हैं, डेप्रिसिएशन मेथड ये है, लाइफ इसकी ये है, और इसकी सबसे मेजरमेंट ये है। ये टेबल आपने यहाँ पे करना है, रिप्रोड्यूस करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एसेट्स कितनी है, बिल्डिंग इक्विपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, बिल्डिंग
इक्विपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ये तीन हमारे पास एसेट्स हैं। फिर आ जाएगा हमारे पास डिप्रिसिएशन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस और स्ट्रेट लाइन। ये हो जाएगा जी स्ट्रेट लाइन रिटर्न ऑन वैल्यू और ये स्ट्रेट लाइन। उसके बाद लाइफ या रेट, आप देखें इसकी लाइफ कितनी है, 20 साल। इसकी है 20% और उसकी 15 साल। और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट इसने हमें गिवन की है रिवैल्यूएशन और दो कॉस्ट। ये जो रिवैल्यूएशन चलेगा ये कॉस्ट पे और ये कॉस्ट पे। अभी तक सवाल में मैंने एक नंबर की भी कैलकुलेशन नहीं की, नॉट अ सिंगल नंबर कैलकुलेट नहीं किया मैंने, बट सिर्फ ये चीज लिखूंगा मैं 3 नंबर क्योर कर सकता हूँ कि भाई मेरी पॉलिसीज क्या चल रही है। अब इससे आगे जो है वो हम अब बनाएंगे स्केड्यूल ताकि हम अपनी फिक्स एसेट्स की मूवमेंट शो कर पाए। तो अब हमारी आ जाएगी नंबर 2 पे, स्केड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब हमारे पास 3 एस्पेक्ट्स हैं तो हमें 3 ही लेके चलने पड़ेंगे और एक हमें चाहिए कॉलम टोटल का। तो बिल्डिंग इक्विपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हम लिख लेते हैं जी, बिल्डिंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और ये आ जाएगा हमारे पास आखिरी कॉलम टोटल का। ये 4 कॉलम बन जाएंगे, ये 3 कॉलम हो गए हमारे। अब हमने इसको यहाँ डाटा अपना प्लेस करना है, रुपीज इन मिलियन। तो हम लिखेंगे भाई से हमारा सारा काम जो हो रहा है वो रुपीज इन मिलियंस में हो रहा है। अब अगर आपको याद हो जो हम कॉस्ट का टी अकाउंट का, हमने वही टी अकाउंट को हमने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है। अगर आपको याद हो, या तो मैं याद हो ना याद हो, अगर आपको याद है हम जब भी बनाते हैं एसेट का अकाउंट हम किस तरह से बनाते हैं, हमारे पास आता है ब्रॉट डाउन, उसके बाद हम लिखते हैं एडिशन, फिर अगर कोई रिवैल्यूएशन हो वो भी हम लिख लेते हैं, और कोई हमारा अगर ट्रांसफर हो फ्रॉम कैपिटल वर्किंग प्रोसेस वो भी हम यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे आती है हमारे पास डिस्पोजल, और फिर यहाँ पे अगर मेरा रिवैल्यूएशन लॉस है तो वो आ देते हैं, और यहाँ मेरे पास क्या आता है कैरिड ऑन आता है। ये जो हम टी अकाउंट बनाते हैं ना सारे का सारा, इसको हमने क्या करना है, इसको हमने चुप करके उठाना है और उठा के हमने कहाँ लिख देना है, इसको हमने स्टेटमेंट में इसमें लिख देना है स्टेटमेंट फॉर्म में। तो पहले इस हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कॉस्ट की हेडिंग दे देंगे कि हम बात कर रहे हैं एसेट की कॉस्ट की। अब कॉस्ट में क्या कुछ आएगा, हम यहाँ पे लिखते हैं इसका बैलेंस एट फर्स्ट जनवरी लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस आ गया। उसके बाद अब आपने पेपर में कोशिश करनी है कि अब हर लाइन आइटम जो है वो लाइन छोड़ छोड़ के लिखें, साथ साथ लिखें। आपने ओपनिंग बैलेंस लिख लिया, फिर लाइन छोड़े आप यहाँ पे दे दें एडिशन, कि इसमें एडिशन कितनी हो रही है वो लिख दें। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ के लिख दें रिवैल्यूएशन, या जो आपको जहन में आ रहा है रिवैल्यूएशन लिख दें। उसके बाद लाइन छोड़ के टी अकाउंट में डिस्पोजल आता है, डिस्पोजल लिख दें। उसके बाद कैपिटल वर्क इन प्रोसेस आता है, ट्रांसफर फ्रॉम कैपिटल वर्क इन प्रोसेस आप वो लिख सकते हैं। उसके अलावा मेरे ख्याल से यही चीजें आती हैं, एडिशन रिवैल्यूएशन डिस्पोजल कैपिटल वर्क इन प्रोसेस। इसके अलावा तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं आएगा, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं बैलेंस एट
31 दिसंबर, 31 दिसंबर को जो हमारा बैलेंस आता है वो लिख लेंगे। तो ये हमारे पास कॉस्ट का अकाउंट आ गया। अब इसके बाद हम इसके साथ ही क्या बनाते हैं, उसका एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का हम अकाउंट बना रहे होते हैं, तो हम वो भी बना लेंगे। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का अकाउंट, तो वही चीजें आएंगी आपकी के बैलेंस एट 1 जनवरी वो आ जाएगा, फिर आ जाएगी ये डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। साल की डेप्रिसिएशन हमारी क्या बनती है, उसके बाद जो रिवैल्यूएशन में जा रही है हमारी डेप्रिसिएशन वो आ जाएगी, डिस्पोजल्स की डेप्रिसिएशन आ जाएगी, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बैलेंस एट 31 दिसंबर 2018 आ जाएगा। फिर इसके बाद एंड पे हम कंपैरिजन करेंगे, ओपनिंग कैरिंग अमाउंट और क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट का हम कंपैरिजन करेंगे। जो हमारा स्केड्यूल है वो हमारा इसमें आ जाएगा। या तो किसने क्या किया, कॉस्ट में रिवर्सल किसने का हेड आएगा भाई, पढ़ते हैं आप लोग होनी और बाद में आप ऐसे सवाल पूछ रहे होते हैं बंदा क्या के चीजों को पढ़ के आया करो, पहले रिवाइज किया करो चीजों को। अब हम आसान आसान चीजें करते हैं, यहां शुरू करते हैं। ओपनिंग 240 ये क्या है हमारा, 190 का है, हम इसको लिख लेते हैं। कॉस्ट मेरे पास आ गई 240 बिल्डिंग की, इसकी क्या आ गई, 190 आ गई। ये बिल्डिंग चलनी है रिवैल्यूएशन पे, बाकी दो चलने हैं हमारे कॉस्ट मॉडल पे। इसलिए जो कॉस्ट मॉडल है ना उसको आप पहले कर लें, रिवैल्यूएशन मॉडल जो है वो बाद में कर लीजिएगा। इसका साथ साथ हम टोटल भी करते जाते हैं। 240 प्लस 190 कितना बनता है, 830 इसका टोटल बन रहा है ओपनिंग का, ताकि मैं टोटल की मूवमेंट भी रिकॉर्ड करूँ। तो बिल्डिंग को हम बाद में करेंगे, इक्विपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को हम पहले कर लेते हैं। इक्विपमेंट की बात करते हैं, इक्विपमेंट में एडिशन हो रही है। यस, वो कहता है जी इक्विपमेंट, हमने एक इक्विपमेंट लिया जिसमें हम 70 की पेमेंट की है, एक हमने ओल्ड इक्विपमेंट दी है जिसकी वैल्यू जो है थी हमारे पास वो कितनी थी, आई थिंक 21 की थी, 21 की वैल्यू। ओल्ड इक्विपमेंट हमने 40 का था। द कॉस्ट इनकर्ड ऑन इंस्टॉलिंग द न्यू इक्विपमेंट वाज 5 लाख। अच्छा, हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए न्यू इक्विपमेंट की कॉस्ट। अब न्यू इक्विपमेंट की कॉस्ट निकालना बड़ा आसान है। 70 मिलियन मैंने कैश दिया उसको और 21 मिलियन का मैंने उसको एक अपना इक्विपमेंट दिया, तो 70 जमा 21। और जब मैंने इक्विपमेंट ले लिया तो उस इक्विपमेंट उसको इंस्टॉल करने के ऊपर जो मेरी कॉस्ट लगी वो कितनी लगी, 5 मिलियन लगी। तो कितना बनता है ये सब, 70 और 20, 91, 97 बनता है, 96 बनता है, 96, 96 की हमारी क्या आ रही है, इसके ऊपर एडिशन आ रही है, हम यहाँ पे लिख लेंगे 96 की एडिशन। इस पे तो रिवैल्यूएशन नहीं है, इस पे सिर्फ और सिर्फ क्या है हमारा, डिस्पोजल है। डिस्पोजल जो है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो हम कर लेते हैं। इसके साथ डिप्रिसिएशन भी जरा हम कर लिख लेते हैं, इसकी डिप्रिसिएशन कितनी बनती है। ओपनिंग इसकी डिप्रिसिएशन है थी हमारे पास 60 थी, हम जरा उसको भी साथ साथ लेके चलते हैं। 60 की आ गई है ओपनिंग डिप्रिसिएशन। अब इसमें एक्विजिशन तो हमें लग ही पता, एक्विजिशन हमारी क्या है। अब इसमें क्या चीज रह गई है, इसमें सिर्फ सिर्फ हमारे पास रह गई है डिस्पोजल। अब डिस्पोजल की कॉस्ट तो मुझे पता है, वो उसने मुझे बताई हुई है यहाँ पे कि द एक ओल्ड इक्विपमेंट हैड बीन एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹40 मिलियन। ये जो पुराना इक्विपमेंट बेचा है उसकी कॉस्ट कितनी, 40 मिलियन थी। तो डिस्पोजल में से मैं उसकी कॉस्ट जो है वो यहाँ पे लेस कर सकता हूँ, उसको 40 को लेस करूंगा तो मेरा बैलेंस कितना आएगा जरा बताइएगा। 190 प्लस 96 लेस 40, 246। 246 क्या बनती है, इसकी क्लोजिंग कॉस्ट बनती है।
अब इसमें सिर्फ कहानी जो है ना वो डिप्रिसिएशन की है। डिप्रिसिएशन हम इसकी जल्दी से निकाल लेते हैं कि भाई साहब इसके डिप्रिसिएशन में क्या है और क्या नहीं है, उसको हम जल्दी से यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं वर्किंग निकाल के। डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर निकालनी है हमने, और हमने डिस्पोजल की जो है वो भी हमें डिप्रिसिएशन चाहिए। तो वापस चलते हैं यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर। हमारा काम है, कहता है जी ओल्ड इक्विपमेंट हमने 40 मिलियन का लिया था 1 जुलाई 2016 को। हमने कहा ठीक है, और पॉलिसी के चल रही है 20% चल रही है WDV के ऊपर, रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर। तो हम इसकी जरा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। वर्किंग दे दो डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल की 2016 में, अगर बात करें 2016 को मैंने 40 का लिया 1 जुलाई को, 20% इसका रेट था, 6 माह का डेप्रिसिएट किया जुलाई से लेकर दिसंबर तक, या 6 मंथ की डेप्रिसिएशन में चार्ज की, कितनी बनती है 4 मिलियन बनती है। ये इसकी डेप्रिसिएशन हुई 2016 में। अब 2017 में क्योंकि हमारी WDV चल रही है तो इसकी WDV भी हम लेकर चलेंगे। WDV हम निकाल सकते हैं, 40 कॉस्ट थी, 4 मिलियन की इसकी डेप्रिसिएशन थी, 20% इसका रेट है, कितनी बनती है 7.2। ये आगे इसकी। अब 2018 में हम आते हैं, 2018 में हमारी डिस्पोजल डेट क्या है, 1 सितंबर। तो 1 सितंबर को हम नया एसेट ले रहे हैं और उसी वक्त हम पुराना एसेट बेच भी रहे हैं, तो 1 सितंबर तक की हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। तो अब बताओ WDV कितनी बनती है, 40 का एसेट था, 4 का हमने वहां पे डेप्रिशिएट किया और 7.2 का हमने यहाँ पे डेप्रिशिएट किया, कितनी होगी WDV 40 28.8 28.8 इसकी WDV है। इसका हमने 20% लेना है और कितने मंथ का लेना है, देखें जितना हम सितंबर को डिस्पोज कर दिया इसका मतलब अगस्त तक हमने इस्तेमाल किया, अगस्त तक 8 महीने बनते हैं, तो इसके हम क्या लेंगे 8 महीनों की डेप्रिसिएशन लेंगे, कितने बनती है 28.8 मल्टीप्लाई बाई 8/12 3.84। ये जिसकी आगे डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर के, ये जो है ना वो डेप्रिसिएशन है। सम करो कितना बनता है इसका डिस्पोजल का डेप्रिसिएशन का, 4, 7, 11, 11 और 3, 14, 14, 14.84 और 2, 14.84 और 2, 15.04। ये है जी टोटल डिप्रिसिएशन डिस्पोजल की, ये निकाली हमने। यहां पे जाके आप लिख दो 15.04, ये है हमारी डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन, ऐसे ही है। अब हमने निकालनी है जो रिमेनिंग हमारे पास पड़ा हुआ है उसकी हमने डेप्रिसिएशन निकालनी है। तो भाई सिंपल सी बात है, यहां पे हम निकाल लेते हैं डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। अब उसको देखते हैं हम, देखें जो डिस्पोजल की जो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है ना वो मेरे पास आ गई है, वो है 3.84। इस साल उसकी बनी है 3.84। नया एसेट लिया उसको हम सेपरेटली कैलकुलेट कर लेंगे। कहानी है ओपनिंग एसेट्स की जो मेरे पास पहले से मौजूद है। देखिए जी मेरे पास ओपनिंग एसेट जो है वो 190 के हैं, इसकी डिप्रिसिएशन मेरे पास कितनी है 60 की है। अब मैंने यहाँ पे गेम चलानी है, अब जरा यहाँ पे दिमाग देखिए, अपना दिमाग खोल के बैठिएगा। 190 के मेरे पास ओपनिंग एसेट्स हैं, कॉस्ट है, इसमें से 40 के तो वो है जिसको मैंने डिस्पोज किया, इसका मतलब रिमेनिंग कितने बचते हैं जरा बताइएगा, 150 के वो एसेट्स हैं जो मेरे पास मौजूद रहे, इसको मैंने क्या करना है डेप्रिशिएट करना है। मतलब प्रॉब्लम इज दैट ये जो 150 है ये है कॉस्ट, और हम इक्विपमेंट में क्या चला रहे हैं मॉडल WDV का मॉडल चला रहे हैं, इसका मतलब मुझे इस कॉस्ट को उसकी WDV पर लेके जाना पड़ेगा।
अब क्या मैं उसको WDV पे लेके जा सकता हूँ? अगेन द आंसर इज यस. क्यों? क्योंकि मुझे डेप्रिसिएशन गिवन है ओपनिंग. अब ओपनिंग डेप्रिसिएशन मुझे गिवन है. अब यहाँ पे भी एक और चीज देखिएगा, ये ओपनिंग डेप्रिसिएशन है उस तमाम एसेट्स की जो मैं इस्तेमाल करता हूँ. उस सारे के सारे एसेट्स जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, ये उसकी डेप्रिसिएशन है. अब इसमें से इस हार्ट में वो डेप्रिसिएशन भी शामिल है जो मैं डिस्पोज कर चुका हूँ एसेट. वो कितनी बनती है? अब यहाँ पे देख लें, इन दोनों को सम करके अपना कितना बनता है? 11.2. इसमें से अगर हम 11.2 लेस कर दें डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन, तो कितनी आएगी? 48.8. ये जो 48.8 है ना, ये 48.8 उस एसेट की डेप्रिसिएशन है जो मेरे पास पूरा साल मौजूद है. ये 150 की बन रही है डेप्रिसिएशन ये. तो अगर मैं इस 150 में से ये 48.8 लेस कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगी? WDV आ जाएगी. कितनी आती है बताइएगा? 101.2. इस 101.2 के ऊपर अगर मैं 20% डेप्रिसिएशन रेट अप्लाई करूं, क्या आता है जवाब? 22.24. शुक्रिया जी. 22.24 क्या है? इसके डेप्रिसिएशन है जो मैं यहाँ पे लिख लूंगा. तो जो डेप्रिसिएशन है हमारे पास एसेट्स की, रिमेनिंग एसेट्स की, वो कितनी है? 22.24. अब तीसरी रह गई है कि जो मैंने इस साल एडिशन की है उसकी डेप्रिसिएशन निकालना रह गई है. तो भाई ये भी आसान है, 96 की हमारी एडिशन हुई है तो निकाल लेते हैं. देखें, 96 की हमारी एडिशन है, 20% रेट है, यकम सितंबर को हमने एसेट लिया. कितने माह मेरे पास एसेट रहा? सितंबर. सितंबर का पूरा महीना इस्तेमाल किया, अक्टूबर का पूरा महीना इस्तेमाल किया, नवंबर का पूरा महीना इस्तेमाल किया, दिसंबर का पूरा महीना इस्तेमाल किया. इसका मतलब 4 महीने की जो है वो मुझे इसकी डिप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी. कितनी बनती है बताइएगा? 9.6. 80 19.2 को 6.4. ठीक है जी, 6.4 मैं मान लेता हूँ. इसको सम कर दें कितना आता है? 30.48. आर यू श्योर? आपको कोई और ही बता दे भाई. 30.48 हार इसकी बात मानी मैंने. 30.48 क्या होगी? इसकी डेप्रिसिएशन आ गई फॉर द ईयर. यहां से पकड़ते हैं, यहां पे जाके आप लिखते हैं जी 30.48 इसकी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है. तो इसका सम करें, बताएं क्या बनता है? 60 प्लस 30.48, 90.48. इसमें से लेस कर दें आप 15.4. 90 में से 15 गए, 75. 75 में से 4, 75.44. ठीक है जी, 75.44 क्या बन गई? इसकी क्लोजिंग डिप्रिसिएशन बन गई. अब हम इसको कर लेते हैं. अब आप बताएं जी, इसकी ओपनिंग कैरिंग अमाउंट कितनी थी? इसकी ओपनिंग कैरिंग अमाउंट में कितनी थी? 190 लेस 60, 130 बनती है. 130 है ना. और क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट भी बताएं मुझे कितनी है. क्लोजिंग एसेट की वैल्यू 246 है और क्लोजिंग डिप्रिसिएशन 75.44 है. 246 लेस 75.44, 170.56. ये जी 170.56 आ गया. तो ये हमारे पास ओपनिंग कैरिंग अमाउंट भी आ गई और हमारे पास क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट भी आ गई. तो देखें, बिल्कुल आसान था. 17 नंबर के लिए सिर्फ एक पेपर अगर मैं पूरा कर दूं तो मैं 7-8 नंबर स्क्योर करके बैठा हुआ हूँ. अब तीसरा इसमें एक और आसान चीज है, वो है ये कि जो हमने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खुद कंस्ट्रक्ट किया है उसकी जो कॉस्ट निकालना, वो बड़ा आसान है हमारे लिए. इसमें बोरिंग कॉस्ट का कंसेप्ट अप्लाई होगा, हम वो देख लेते हैं. इस पॉइंट को आप लोगों को मैंने करने के लिए दिया था, आप लोगों ने किया था? इफ यस देन प्लीज लेट मी नो कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज हुआ था. इतना लोन कितना हो सकता इंटरेस्ट कैपिटलाइज? आप लोगों ने फाइंड किया था कि नहीं किया था? नहीं किया मैंने, माशाल्लाह. आगे करने की जरूरत भी नहीं है आप लोगों को.
हम जी मैन्युफैक्चरिंग जो है हम उसका प्लांट की हम निकाल लेते हैं इसके साथ ही। देखिए उसने का टोटल कॉस्ट इनकर हुई है 660 मिलियन, हम लिख लेते हैं जी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आई है वो 660 मिलियन। इसमें सिर्फ हमने बोरिंग कॉस्ट ऐड करनी है, और बोरिंग कॉस्ट के लिए देखना पड़ेगा मुझे इंटरेस्ट ऑन बोरिंग, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक बोरिंग है तो वो मेरे लिए कहानी मुझे आसान होगी। मैंने लोन लिया था 500 मिलियन का, 500 मिलियन का लोन लिया, 18% उसके ऊपर रेट है, और कितने महीना मैंने इसको इस्तेमाल किया वो मैंने देखना है। 1 मार्च को लोन लिया और 31 अक्टूबर को मेरी जो है वो कंप्लीट हो रही है, तो काउंट करो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 8 महीने बनते हैं ये। लेकिन यहाँ पे 15 डेज की सस्पेंशन रही है बारिश की वजह से, जितने महीने काम सस्पेंड रहा उतने महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होता, तो 15 डेज का मतलब आधा महीना है, तो इसमें से आप लेस कर सकते हो 0.5, इसका मतलब 7.5 महीने की हमने इस पे बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करनी है। कितने बनती है बताएंगे, 56.25 पे जो इंटरेस्ट आया। कोई इन्वेस्टमेंट इनकम है? यस इन्वेस्टमेंट इनकम है, इसने मुझे बता दी है 17 मिलियन की इसने इन्वेस्टमेंट इनकम इसमें से ली थी। इन्वेस्टमेंट इनकम पे इसमें से लेस कर देंगे हम 17 मिलियन की, तो लेस करने के बाद मेरे पास आ जाएगी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इतना आया इसका जवाब 699.25। अब ये 699.25 टोटल कॉस्ट है इसके ऊपर जो इनकम हुई है, तो टोटल कॉस्ट इनकम हुई है ये कैपिटल वर्क इन प्रोसेस से फिनिश गुड में मूव हो गया, तो इसकी जनरल एंट्री पास की होगी वो हमने क्या की होगी, फिनिश गुड हमने डेबिट किया होगा और ये कैपिटल वर्क इन प्रोसेस हमने क्रेडिट किया होगा। इसका मतलब है कि मेरा काम कंप्लीट हो गया, अब ये मेरा फिनिश हो चुका हुआ है, तो ये आ रहा है हमारा किसमें, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, और ट्रांसफर फ्रॉम कैपिटल वर्क इन प्रोसेस है तो हम यहाँ लिख लेंगे 699.25 इसका यहाँ पे आ गया वैल्यू, 699.25 इसकी वैल्यू आ गई, और क्लोजिंग में इसकी क्या बनेगी 699.25 बनेगी। ओपनिंग इसकी डेप्रिसिएशन हमारे पास कोई है नहीं, रिवैल्यूएशन इसमें है नहीं, टोटल इसमें है नहीं, इसकी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर हमने निकालनी है, वो इसने हमें यहाँ पे बताई है कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है उसको हमने 15 सालों में करना है, डेप्रिशिएट करना है। बट यहाँ पे देखेंगे 31 अक्टूबर को इसकी कंप्लीशन हो रही है, तो इसकी जो फोर्थ द ईयर बनेगी डेप्रिसिएशन उस पर जरा आपने ध्यान रखना है कि 699.25 कॉस्ट है, लेकिन इसको हमने डेप्रिशिएट करना है 15 सालों पे, लेकिन इसकी जो फोर्थ द ईयर बनती है डेप्रिसिएशन वो 2 महीनों की बनती है, नवंबर की और दिसंबर की, कोई 31 अक्टूबर को कंप्लीट हुआ तो हमने इस साल 2 माह इसको इस्तेमाल किया, तो इसकी 2 महीने की हमें डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी। कितनी आ रही है 7.77, ये क्या आ गई इसकी डिप्रिसिएशन आ गई, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे इसकी डिप्रिसिएशन कहाँ चला गया है 7.77, ये इसकी डिप्रिसिएशन आ गई। क्लोजिंग भी इसकी जो होगी 7.77 बनेगी। अब इसकी जो ओपनिंग तो कोई नहीं थी, ग्रॉस अमाउंट, क्लोजिंग ग्रॉस अमाउंट इसकी आ रही है 699.25 प्लस 7.77, कितनी बनती है 699.25 लेस 7.77, इसकी जो क्लोजिंग ग्रॉस अमाउंट है वो बनेगी 691.48। ये क्या है इसकी क्लोजिंग ग्रॉस अमाउंट बन गई। तो ये दो चीजें जो हैं ये तो बड़ी आसान थी जो हमने यहाँ पे लिख ली है। अब इतने बड़े सवाल में दो चीजें लिखने का मतलब है, इतना अगर मैं करके पेपर में आ गया 10 नंबर मैं इस सवाल में सिक्योर कर चुका हूँ। अब अगली गेम सिर्फ 7 या 4 नंबर की है जो मैंने लेके चलनी है, ये भी मेरी एडजस्टमेंट हो गई। अब इस एडजस्टमेंट के 4 नंबर है, 4 नंबर की एडजस्टमेंट देख लो आपको सामने क्या है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। डिस्पोजल भी कर लिया, मुश्किल था, 3 नंबर की थी, 4, 3, 7 नंबर हमने यहाँ पे ले लिए होंगे। अब सिर्फ एक चीज रह गई है और वो क्या है, हमारी रिवैल्यूएशन जो है
उसको हमने कैलकुलेट करना है। ये मैं आप लोगों को असाइनमेंट देता हूं, ये सिर्फ मुझे इस बिल्डिंग की रीवैल्यूएशन करके दो, करके दोगे पेपर तुम्हारा पास है, अगर नहीं करोगे कसम से तुम्हारा पेपर पास नहीं होगा। आई कैप इस तरह से पूछ रहे हैं। हम लोग इन चीजों पे घूमते फिरते रहेंगे, बोरिंग कॉस्ट वगैरह पे, असली चीज जो है वो हम नहीं कर पाएंगे। तो एक बार मुझे करके दो हर रिवॉल्यूशन। मैं आपको यहां भी बता देता हूँ कि ये वाली जो अमाउंट है ये रिवैल्यूड अमाउंट है, ये वाली जो अमाउंट है ना ये वाली, ये इसकी कॉस्ट मॉडल वाली अमाउंट चल रही है। तो इसको जरा आपने ध्यान से लेके चलना है, इसकी मुझे रिवैल्यूएशन आपने फाइंड आउट करके सेंड करनी है।